प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान की एक अनूठी विशेषता के बारे में। और वो क्या है? वो ये है कि ब्रिटेन के संविधान में के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान में लोकतंत्र भी है, राजतंत्र भी है और कुलीन तंत्र भी है। तीनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का समागम है। कैसे? सच तो यह है कि आज वास्तव में ब्रिटेन में लोकतंत्र है, क्योंकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। वहाँ संसद के सभी सदस्यों को भी जनता द्वारा चुना जाता है, कॉमन सभा के सदस्यों को, और संसद वहाँ सर्वोच्च है। सभी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री कॉमन सभा के बहुमतल का नेता होता है। निश्चित समय पर चुनाव होते हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। न्याय व्यवस्था सुचारू है और न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो ब्रिटेन में वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, लेकिन लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी वहाँ राजतंत्र के प्रतीक और कुलीन तंत्र के प्रतीक भी देखे जा सकते हैं। सम्राट या राजा का पद, सम्राज्ञी का पद, वो राजतंत्र का प्रतीक है। आज भी ब्रिटेन में संवैधानिक अध्यक्ष सम्राट या सम्राज्ञी हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो सैद्धांतिक रूप से सम्राट या सम्राज्ञी को प्राप्त हैं, और प्रधानमंत्री और मंत्री सम्राट या सम्राज्ञी के नाम पर ही उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ब्रिटेन में राजवंश और राजपरिवार का बहुत सम्मान है, उन्हें रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारी व्यवस्था वहाँ पर राजतंत्र को भी एक सम्मान प्रदान करती है। और वास्तविक लोकतंत्र होते हुए भी वहाँ पर राजतंत्र के अवशेष अपने जीवंत रूप में मौजूद हैं। जहाँ तक कुलीन तंत्र का सवाल है, तो कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली केवल एक ही संस्था है वहाँ, और वो है लॉर्ड सभा। हालांकि लॉर्ड सभा को अब कोई वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन लॉर्ड सभा का होना और वहां पर लॉर्ड्स की नियुक्ति ये बात सिद्ध करती है कि वहां पर काफ़ी हद तक कुलीन तंत्र को भी एक अंतिम रूप में हम देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र होते हुए भी राजतंत्र का प्रतीक राजा या सम्राट का पद है, उसे आज भी बहुत सम्मान प्राप्त है, और कुलीन तंत्र का एक अवशेष लॉर्ड सभा के रूप में देखने को मिलता है। ब्रिटेन के सम्राट के बारे में कहा जाता है कि सम्राट मर गए लेकिन सम्राट अमर रहे। इसका अर्थ है कि सम्राट का पद वंशानुगत आधार पर भरा जाता है। एक व्यक्ति जो सम्राट के पद पर है उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन सम्राट का पद शाश्वत है, उसका उत्तराधिकारी उसे ग्रहण करेगा। इसलिए सम्राट के पद को शाश्वत माना गया है, इसलिए राजतंत्र वहाँ समाप्त नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार से ये भी सच है कि वहाँ सही अर्थों में लोकतंत्र है, इसीलिए सम्राट को ब्रिटेन में स्वर्णिम शून्य कहा गया है। अर्थात स्वर्णिम शून्य का अर्थ है कि है तो सोने का लेकिन है जीरो, यानी कि सम्राट अपनी शक्तियों का स्वयं प्रयोग नहीं कर सकता है। सम्राट की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जो है वो संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रियों द्वारा किया जाता है। लेकिन हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र तीनों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। ब्रिटेन का संविधान इसलिए भी अनूठा है क्योंकि वो अलिखित है। हालांकि उसके बहुत से भागों को लिखित रूप दे दिया गया है, लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे ऐसे अंश हैं जो अलिखित हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन के संविधान को अभी समयों या परंपराओं पर आधारित माना जाता है, यानी ब्रिटेन में जो लंबे समय तक परंपरा चली बाद में वही संविधान या कानून का रूप धारण कर लिया। जैसे कि बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन लंबे समय तक ये परंपरा जब चली तो इसी परंपरा को संविधान या कानून का रूप दे दिया गया। साथ ही ब्रिटेन के संविधान की एक और बात यह है कि वहाँ पर एकात्मक संविधान है, यानी कि सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं, राज्यों को अलग से संविधान द्वारा कोई शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक अनूठा संविधान।